हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप IDBI बैंक में अपना सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं डिजिटल प्रोसेस के माध्यम से। इसके बारे में कंप्लीट गाइड करूँगा। साथ के साथ गाइस मैं आपको इस अकाउंट के फीचर्स के बारे में भी बताऊँगा कि आपको इस अकाउंट में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। अकाउंट को ओपनिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लगेगा और किस तरीके से आप घर बैठे बिना ब्रांच जाए वीडियो KYC के माध्यम से इस अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, तो ये सभी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। IDBI बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी अच्छा बैंक है। इस बैंक को डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट अंडर ओनरशिप एक्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें LIC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर काम करती है। इस बैंक को 1964 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के तौर पर लॉन्च किया गया था और वर्तमान समय में इस बैंक की नेट इनकम $190 मिलियन से भी अधिक की है। यदि इस अकाउंट के बारे में बात की जाए कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते है, तो यहाँ पे आपको वीडियो के YC अकाउंट देखने को मिल जाता है। आप इस अकाउंट को आधार कार्ड पैन कार्ड की सहायता से ओपन कर सकते हैं घर बैठे बिना ब्रांच जाए। यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी देखने को मिल जाती है। साथ के साथ यहाँ पे आपको गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म पर भी आप UPI से पेमेंट वगैरह करने के लिए इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इस अकाउंट की आप KYC करवा लेते हैं फुल, तो आप इस अकाउंट का इस्तेमाल लाइफ टाइम के लिए इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस बैंक को हल्के में मत लेना, यह बैंक शेयर एक्सचेंज पर भी रजिस्टर्ड है, जहां से आप शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और भी कई सारे काम कर सकते हैं। यह एक जेन्युइन बैंक है जिसमें आप आसान प्रक्रिया से अपना सेविंग अकाउंट ऑनलाइन प्रोसेस से ही ओपन कर सकते हैं। IDBI बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर सर्च करेंगे IDBI बैंक। जैसे आप IDBI बैंक सर्च करते हैं तो इसके बाद IDBI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट आती है। तो सबसे पहले आपको IDBI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने की लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप उन्हें भी जरूर चेकआउट कीजिए अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए IDBI बैंक में। तो यहां पे आपको एक 3-डॉट आइकन देखने को मिलता है, ये मेनू बटन, तो जस्ट आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहां पे आपको अकाउंट्स करके एक सेक्शन देखने को मिलता है, तो अकाउंट सेक्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहां पे कई तरह के अकाउंट्स देखने को मिलते हैं जो कि आप देख सकते हैं। आवेदक अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी एक अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन अभी हम यहां पे बात करने वाले हैं वीडियो KYC अकाउंट के बारे में, जो कि अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सेविंग अकाउंट यूजिंग वीडियो KYC। तो जस्ट आपको ये वाला अकाउंट चुन लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। प्रोसेसिंग होने में कुछ टाइम लग सकता है, तो जस्ट आप वेट करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो अकाउंट ओपनिंग, इसके बाद यहाँ पे बताई गई इस अकाउंट को आप ओपनिंग कर सकते हैं सिंपल प्रोसेस के माध्यम से। इसके साथ ही यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करने के माध्यम से भी आप इस अकाउंट को ओपनिंग कर सकते हैं। अकाउंट को ओपनिंग करने का टाइमिंग बताया है, सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप इस अकाउंट को ओपनिंग कर पाएंगे। यहाँ पे इस अकाउंट को ओपनिंग करने की कुछ टर्म एंड कंडीशन है और यहाँ से आप कुछ FAQs वगैरह यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो गाइस, अभी अकाउंट ओपनिंग करने के लिए यहाँ पे आपको जो एक ऑप्शन देखने को मिलता है वीडियो KYC लिंक, तो जस्ट आप इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं IDBI बैंक का लोगो देखने को मिलता है और यहाँ पे बताया गया कि इस अकाउंट को आप मात्र 5 स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो कस्टमर है उसकी डिटेल यहाँ पे वेरिफिकेशन होगी, पर्सनल डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, अकाउंट नंबर डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जैसे ब्रांच वगैरह या जो जो आप फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो वो डालनी पड़ेगी। वीडियो KYC आपको सक्सेसफुल करनी होगी। जैसे ये 4 स्टेप्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपका अकाउंट ओपनिंग करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये 5 स्टेप्स है जिनको आप फॉलो करके आप घर बैठे इस अकाउंट को ओपनिंग कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं वेलकम टू IDBI बैंक सेविंग अकाउंट ओपनिंग थ्रू वीडियो KYC। यहाँ पे बताया गया कि इस अकाउंट को ओपनिंग करने के लिए आपके पास एक पैन कार्ड का होना बेहद ज़रूरी है।
इसके अलावा आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पे कैप्चर की जाएगी। तो यहाँ पे जो ये है टर्म इन टर्म एंड कंडीशन, इन सभी पर आपको इस तरीके से चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेना है। ये आपको कुछ ऑरेंज कलर का आपका जो ये है ये टर्म एंड कंडीशन बॉक्स इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आप कंटिन्यू पर बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है सबसे पहले वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल से आप मिस्टर चुन लेंगे। आप दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डाल लेना है। तो मेरा नाम है साहिल, तो मैं यहाँ पे अपना नाम चूज़ कर लेता हूँ। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे नाम चूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने अपना नाम यहाँ पे डाल लिया है। यहाँ पे एप्लीकेशन मिडल नेम डालना चाहते तो डाल सकते हैं, यानी आप लास्ट नेम यहाँ पे डालिए। तो चलिए मैंने अपना यहाँ पे लास्ट नेम भी डाल लिया। अब आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज कर लेनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर वो डालेंगे जो आधार कार्ड से लिंक है। इसके बाद जो ये टर्म एंड कंडीशन बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे और देन कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है और देन नीचे आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेना है। अभी हमने अपना OTP यहाँ पे डाल ली है और इसके बाद देन आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज कर लेनी है और नीचे आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन देखने को मिल जाता है। तो अभी हम अपनी चलिए अभी हम अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर सबमिट कर लेते हैं और देन कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर OTP बॉक्स में एंटर कर लेना है, देन आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। हमारा OTP सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। अब यहाँ पे बताया गया कि आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए, आपको एक सिग्नेचर करना होगा वाइट पेपर पर। तो ये कुछ बताई गई है डिटेल्स, तो ये होना ज़रूरी है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। जैसे आप पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे इसके बाद वैलिडेट पैन पर क्लिक करके आपको नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेसिंग होने में कुछ टाइम लगेगा। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर आधार कार्ड नंबर एंटर कर लेना है। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है उसको आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी और इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल जो आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर कर लेना होगा। तो अभी जो OTP आया है उस OTP को हमने यहाँ पे एंटर कर लिया एंटर बॉक्स में, एंटर OTP बॉक्स में। तो ये आपकी डिटेल, जैसे आप यहाँ पे इसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे अब OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, मदर्स का मेडियन नेम। इसके अलावा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड से ही कैप्चर कर ली जाती है। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे, रिलीजन डालेंगे और कैटेगरी आपको चुन लेनी है। तो चलिए अभी मैं ये सभी डिटेल्स यहाँ पे अभी हम चुन लेते हैं। जैसे आप ये सभी इन्फॉर्मेशन डाल लेते हैं इसके बाद आपको नीचे आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस देखने को मिलता है। तो आपको अपना यहाँ पे अपना एड्रेस डाल लेना है, कन्फर्म कर लेना है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन है जिनको आपको सही सही सभी इन्फॉर्मेशन को आपको सबमिट कर लेनी है। तो अभी हमने ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल ली है और इसके बाद जस्ट आप नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पे मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है कि आप दोनों, यदि आपके सेम एड्रेस है तो दोनों पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेंगे और देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डाल लेना है कि आप काम क्या करते हैं, और एम्प्लॉई नेम डालेंगे, जो भी एम्प्लॉई है उसका नाम डाल सकते हैं कि आपका किस कैटेगरी में आपका एम्प्लॉय आता है, बिजनेस आता है, इन्वेस्टमेंट में आता है या फिर अदर्स में आता है, वो आप डालेंगे। आप कितनी आप सैलरी कमा लेते हैं, ग्रोसरी मंथ इनकम कितनी हो जाती है आपकी, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पे आप 15,000 रुपये डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे एनुअल इनकम देखने को मिलती है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नॉमिनेशन डिटेल डालनी होगी। यदि आप नॉमिनेशन डिटेल अभी डालना चाहते हैं तो येस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम नॉमिनेशन डिटेल डालना चाहते हैं तो इसके बाद येस पर आपको क्लिक कर लेना है और देन आपको नीचे कंटिन्यू जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होगी। नॉमिनी का नेम यहाँ पर आप डाल लेना, अपना मदर्स नेम, फादर्स नेम। यहाँ पर कैलेंडर से आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे नीचे आपको रिलेशन टाइप करना होगा कि आपका क्या रिलेशन है।
तो वो आप अपने हिसाब से चुन लेंगे और देन कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर से कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद सेविंग टाइप अकाउंट चुन लेना है। जैसे कि आप सेविंग अकाउंट में देख सकते हैं यहाँ पे 5,000 रुपये मैंडेट करने होंगे। यूथ सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको 2,500 रुपये मैंडेट करने होंगे। अब बस आपको अपना अकाउंट चूज़ कर लेना है, देन आपको उस अकाउंट की वीडियो KYC सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेनी है। जैसे आपके अकाउंट की कंप्लीट KYC हो जाती है तो आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा।